शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी गिना दी हैं। उनकी प्राथमिकता है देश में महंगाई पर काबू पाना और थमी हुई अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। अब इस शहर रमजान में हम रोजादार को हम क्या आसूदगी मुहैया कर सकते हैं जनाब स्पीकर, उसके लिए मेरे जहन में एक फार्मूला, आजमूदा फार्मूला है कि हम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और मोहल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा अगर उसमें फर्ज लीजिए 100 रुपया, 150, 200 रुपया बचत, 200 रुपया बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए खरीद के ले आए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या कदम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो पाकिस्तान को निवेशकों के लिए स्वर्ग बना देंगे। पाकिस्तान में निवेशकों की बात करें तो जहन में दो ही नाम आते हैं, एक चीन और दूसरा अमेरिका। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में पाकिस्तान में चीन का निवेश घटा है जबकि अमेरिका का निवेश बढ़ा है। जुलाई से सितंबर 2021 के बीच पाकिस्तान में चीनी निवेश केवल 10 करोड़ डॉलर था, जबकि 2020 में इसी अवधि के लिए ये 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना में अमेरिकी निवेश जुलाई से सितंबर 2021 के बीच 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा और इससे पहले सिर्फ 2 करोड़ डॉलर था। इसी वजह से इमरान खान सरकार पर चीन से दूरी बनाए रखने के आरोप भी लगते रहे। अब शहबाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन की जनता मानकर चल रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में चीन का निवेश दोबारा से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ ने चीन को लेकर कहा कि चीन हमेशा से पाकिस्तान का दोस्त रहा है। ये दोस्ती हुकूमतों की दोस्ती नहीं, आवामों की दोस्ती है। पिछली सरकार ने इस दोस्ती को कमजोर करने के लिए जो कुछ भी किया वह बहुत तकलीफ दे दास्तान है। हम सीपेक पर और तेजी से काम करेंगे। अब बात करते हैं कि सीपेक क्या है। सीपेक का पूरा नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे पाकिस्तान में चीन का सबसे बड़ा निवेश बताया जाता है। सीपेक चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए जा रहे व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें सड़कों, बिजली संयंत्रों, रेलवे लाइनों और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण शामिल है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की सरकार के दौरान सीपेक परियोजना का काम शुरू हुआ था, लेकिन पीटीआई के सत्ता में आने के बाद इस परियोजना में लंबे समय से सुस्ती की शिकायत आ रही थी। सीपेक के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें चीन का 62 अरब डॉलर का निवेश है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सभी परियोजनाओं में सीपेक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम पर चीन की भी पैनी नजर थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमरान खान के पीएम रहते चीन सीपेक परियोजना की प्रगति से खुश नहीं था। दरअसल माना जाता है कि इमरान खान के दौर में सीपेक परियोजना की गति धीमी हो गई थी। डॉक्टर मारिया सुल्तान इस बात को समझाती हैं। वो पाकिस्तान में साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की महानिदेशक हैं। वो पाकिस्तान चीन के रिश्तों और सीपेक प्रोजेक्ट पर नजर रखती हैं। डॉक्टर मारिया कहती हैं कि इमरान खान ने अपने कार्यकाल में सीपेक के सामाजिक आर्थिक फायदों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया, जिस वजह से चीन या पाकिस्तान को जिस स्तर का फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही थी वो हासिल नहीं हो पाई। सवाल ये भी उठता है कि शहबाज शरीफ के पीएम बनने से क्या सीपेक परियोजना को गति मिलेगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुखिया के तौर पर शहबाज शरीफ ने ऐसी कई विकास परियोजनाओं में तेजी लाने का काम किया, जिस वजह से उनसे ये उम्मीद बनती दिखती है। शहबाज शरीफ के पीएम बनते ही पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 8 रुपये मजबूत हुआ। हालांकि जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह की राय चीन और पाकिस्तान की नई सरकार के बीच की केमिस्ट्री को लेकर थोड़ी अलग है। शहबाज शरीफ के आने से इस परियोजना में बहुत बड़ी तेजी आएगी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि शहबाज शरीफ कितने दिन तक प्रधानमंत्री रह पाएंगे, इसको लेकर कई तरह के कयास पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं।
दरअसल सीपेक परियोजना के तहत काम कई चरणों में पूरा होना था। पहला चरण इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजना के लिए था, जिसमें से ज्यादातर नवाज लीग के दौर में ही पूरे हो गए थे। दूसरा चरण औद्योगिक क्षेत्र का है, जिसमें इमरान सरकार के समय काम ज्यादा नहीं हो पाया। इस देरी के लिए एक बड़ी वजह कोरोना को भी माना गया। चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि नए पीएम के कार्यकाल में इसमें तेजी देखने को मिलेगी।